11 और 12 रबीउल अव्वल 2007 की शब थी। मीनारे पाकिस्तान का सब्ज़ाज़ार लाखों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरा हुआ था। नातखां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। जुर्मत में वो ज़ुल्फों के है। निस शब के करीब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताब का आगाज हुआ और आपके खिताब का मौजू इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आप उसकी मुख्तलिफ जहतों पर रोशनी डाल रहे थे। बोलिए मोहम्मद, यह हर्फ आया है नीम क्या, फिर हा, उसके बाद फिर नीम, फिर दाल। पहली मर्तबा मीम एक बार आया, दूसरी मर्तबा मीम मुशद्दद है, ये दो बार आया, ठीक है। अब इसको जरा ब्लैक बोर्ड और कापी पे हर हर्फ को लिखें, इल्मुल हुरूफ और इल्मुल अल्फाज के रूप से लिखें। तो मीम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं नीम, ये नीम, लिखिए नीम, मीम, ये नीम। नीम में भी दो मीमें हैं, नीम उसके बाद हा, ये लिखते हैं हे अलिफ, हमजा आ जाता है वो उसी अलिफ का, उसके बाद फिर मीम, और मीम है मीम, ये नीम, और ये नीम मुशद्दद है दो मरतबा, दो बार मीम, ये नीम रिपीट हुआ। फिर चौथा हर्फ है दाल, दाल को लिखें दाल, अलिफ और लाम। इसको कहते हैं आदाद बसीत का इल्म, इल्म आदाद बसीत। बता रहे हैं कि बादलों में अल्लाह पाक ने इसमें मोहम्मद को लिख दिया है, उधर चांद के इर्द गिर्द, सुभान अल्लाह। आसमान पर चांद के गिर्द निहायत खूबसूरत अंदाज में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर है, जिसे वहां मौजूद लाखों अफराद ने देखा। और ARY चैनल के जरिए बराहे रास दुनिया भर में देखा गया। ये एक इशारा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से खुश हैं और अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी मनाने वालों के जज्बे और खुशियों को शर्फ कबूलियत बख्शा। ये किसी एक दिन की काविश नहीं बल्कि तहरीक मिन्हाजुल कुरान की रुबा सदी से जायद जोहदे मुसलसल है। तहरीक मिन्हाजुल कुरान की बुनियादी दावत ही
फरोग इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक झलक रुखे जाना दे जो वो बेताबी देखो। इस तहरीक ने उम्मत मुसलमा के जुमला मसाइल की वजह मोहब्बत व अतात रसूल से रूह गर्दानी तशखीस की और इलाज के तौर पर सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की बहाली और अतात रसूल पर मेहनत को करार दिया। तहरीक मिन्हाजुल कुरान इस सदी की तजदीदी तहरीक है जहां दीगर इल्मी फिक्री मैदानों में तजदीदी खिदमात सर अंजाम दी, वहीं मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीक मिन्हाजुल कुरान ने मुस्लिम सकाफत का हिस्सा बनाया है। तहरीक मिन्हाजुल कुरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की कयादत में अपने कयाम ही से उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस मुसलमाना ने पाकिस्तान के अंदर ये शऊर उजागर करने की कोशिश कर रही है कि दुनिया व आखरत की कामयाबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाने में। उम्मत मुस्लिमा के लिए ताजदार कायनात की विलादत का दिन भी ईद का दिन है, क्योंकि विलादत मुस्तफ़ा वो नेमत उज़्मा है जिसकी बदौलत हमें दुनिया की हर नेमत मिली। उम्मत के लिए लाजिम है कि जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो हमें इस माह को जश्न की सूरत में मनाना चाहिए, इसलिए कि ये उस खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है जिसने आकर कुफ्र व जलालत में डूबे हुए लोगों को अल्लाह की आयात सुनाई, अपने एजाज नज़र से उनके बातिन के मैल को दूर किया, उनके मन की दुनिया को साफ किया और उसी रसूल ने उन्हें किताब की तालीम और हिकमत का नूर अता किया। अहले ईमान के लिए इससे बड़ी खुशी फरहत और मुसर्रत का इवेंट और क्या होगा कि उनके वो पैगंबर जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिन्होंने पूरी इंसानियत को अपनी तशरीफ आवरी के बाद कुफ्र शिर्क और जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म और ईमान और अजमत के नूर की तरफ मुतवज्जे कर दिया। गिरी हुई इंसानियत को जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद मकाम पर हुजूर की बेसत के तसद्दुक से फायज कर दिया, जिस उम्मत को अशरफुल उमम खैरुल उमम बना दिया और जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की आमद के नतीजे में आका अलैहिस्सलाम की नामत से दुनिया में भी अजमत मिली और आखरत में भी शफात मिली और सारी नेमतों का जरिया वसीला और वास्ता हुजूर की जात बन गए, और जिनके जरिए से कुरान नसीब हुआ और सारी दुनिया और आखरत की नेमतें नसीब हुई। जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ आवरी और उनकी विलादत के इवेंट से बढ़कर खुशी फरहत मुसर्रत का और इवेंट क्या होगा। तो आज जब उसे सेलिब्रेट किया जाए तो इस तरह सेलिब्रेट किया जाए जैसे एक्चुअल रियल खुशी किसी इवेंट की हो रही है, और आदमी खुद को उस तसव्वुर में गुम कर दे, उस तखय्युल में गुम कर दे और खुशी और मुसर्रत की वो कैफियात पैदा करे। उसमें इंसान कुमकुम में लगाता है, महाफिल करता है, सदका खैरात करता है, अच्छे लिबास पहनता है और इजहार मुसर्रत करता है, इजहार फरहत करता है। पता चलता है कि ये वो लोग हैं कि इन्हें किसी वाकया पर या किसी इवेंट पर वाकयातन सबसे बढ़कर खुशी है, मुसर्रत है, ये उसके ईमान की अलामत होगी। तहरीक मिन्हाजुल कुरान हर साल माह रबीउल अव्वल में फरोगे इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिलखसूस तकारीब का एहतमाम करती है और पूरा माह मुल्क भर में मसाजिद और घरों में चरागा किया जाता है।